हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके पिछले पांचवें वीडियो में मैंने आपको आबंधन में अतिव्यापन पढ़ाया है, जिसका थोड़ा सा हिस्सा बचा है वो मैं अभी कंप्लीट करा रहा हूँ आपको। अतिव्यापन के प्रकार तथा सहसंयोजी आबंध की प्रकृति, ये हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर दो प्रकार के आबंधन आप पढ़ोगे, एक है सिग्मा आबंध तथा दूसरा पाई आबंध। इन दोनों के बारे में अभी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। कक्षकों के अतिव्यापन के प्रकार के आधार पर सहसंयोजी आबंध के दो प्रकार होते हैं, सिग्मा तथा पाई। पहला हम सिग्मा पढ़ेंगे। देखिए, सिग्मा आबंध में आबंध जो है फेस टू फेस इस तरह से बंध बनता है, जो कि ज्यादा मजबूत बंध बनता है, और जबकि पाई बंध में ऐसे साइड बाई साइड बंध बनता है, फेस टू फेस नहीं बनता, साइड बाई साइड बनता है, इसलिए बंध थोड़ा सा कम मजबूत बंध बनता है। पहला सिग्मा। इस प्रकार का सहसंयोजी आबंध आबंधी कक्षकों के अंतर नाभिकीय अक्ष पर सिरेवार यानी हेड ऑन, देखिए हेड ऑन मैंने कहा ना, सिरे सिरे में हेड ऑन अतिव्यापन या अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। तो सीधा सीधा दो अक्ष या दो हेड ऐसे जुड़ सकते हैं, जैसे ये दोनों हेड यहां पर जुड़ गए, आप देख सकते हैं, या इसका हेड इसके साथ जुड़ करके यह सिग्मा बंध बनाया है। इस प्रकार का आबंध परमाणु कक्षकों के निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के संयोजन द्वारा बन सकता है। तो इसमें SS या SP ऑर्बिटल के बीच में बंध बन सकता है, ज्यादातर यह होता है। SS अतिव्यापन, इस प्रकार के संयोजन में दो अर्धभृत यानी हाफ फील्ड यानी आधा भरा हुआ, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे को हम अर्धपूरित कहते हैं। दो अर्धपूरित एस कक्षक, एस कक्षक में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे भी, अंतर नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, मतलब सीधा नाभिक के अक्ष पे अतिव्यापन करेंगे, सीधा इस अक्ष पे, जैसे नीचे दिखाया गया है, ठीक है, दिख सकता है कि दो गोलाकार अक्ष, चूंकि एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है तो सीधा सीधा आमने सामने वो अतिव्यापन कर रहे हैं। दूसरा है SP अतिव्यापन, इसमें एक S ऑर्बिटल जो गोलाकार है और एक P ऑर्बिटल जो डमरू के आकार का होता है, दोनों अतिव्यापन करते हैं हेड ऑन में। इस प्रकार का अतिव्यापन एक परमाणु की अर्धवृत्त S कक्षक और दूसरे परमाणु का अर्धवृत्त P कक्षक के बीच में होता है, क्योंकि P में भले ही तीन कक्षक होते हैं लेकिन इनमें अगर अर्धपूरित है तो वही कक्षक इसमें भाग लेगा और वो S के साथ अतिव्यापन करेगा, हेड ऑन अतिव्यापन करेगा। तो SP अतिव्यापन, ये SS अतिव्यापन हुआ और ये SP अतिव्यापन हुआ, ठीक। अब है PP अतिव्यापन। PP अतिव्यापन में भी सामने सामने में दो हेड इनके जुड़ सकते हैं। इस प्रकार का अतिव्यापन दो परमाणुओं के अर्धवृत्त P कक्षकों के बीच में होता है, क्योंकि उनमें भी हेड हेड जुड़ सकता है ना, तो तीन प्रकार का हो गया। अब हम बात करेंगे पाई आबंध। पाई में साइड में ऐसे जुड़ते हैं, जैसा मैंने पहले बताया है, पाई आबंध के बनने के आणविक कक्षक इस प्रकार अतिव्यापन करते हैं कि उनके अक्ष एक दूसरे के समानांतर तथा अंतर नाभिकीय कक्ष के लंबवत होते हैं, क्योंकि नाभिकीय कक्ष ऐसा था लेकिन ये एक दूसरे के ये ऐसे लंबवत है, अक्ष के लंबवत है, ये कक्ष नहीं अक्ष होना चाहिए, अंतर नाभिकीय अक्ष से लंबवत होते हैं। इस प्रकार पार्श्व अतिव्यापन, देखिए पार्श्व मतलब साइड वाइज, पार्श्व मतलब साइड है ना, के फलस्वरूप निर्मित कक्षक में परमाणुओं के तल के ऊपर तथा नीचे दो प्लेट नुमा आवेशित अभ्र होते हैं, ठीक है। तो तल के ऊपर और नीचे, ये देखिए तल है तो इसके ऊपर और नीचे दो प्लेट नुमा आवेशित अभ्र होते हैं। अभ्र मतलब होता है बादल, आवेशित का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन है इसलिए ऋण आवेशित होता है जनरली, ठीक है। तो ये अभ्र वहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। सिग्मा तथा पाई आबंधों की प्रबलता, मैं आपको बता दूं कि सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में ज्यादा मजबूत है। SS के बीच में जो बनता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है, उससे थोड़ा कम मजबूत होता है S और पाई, S और P के बीच में थोड़ा कम होता है और PP के बीच में थोड़ा और कम होता है, प्रबलता मतलब ताकत सिग्मा की, ठीक है, उससे फिर कम होता है पाई की। मूलतः आबंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है, ठीक है।
तो अति व्यापन जितना छोटा रहेगा उसमें उतना ज्यादा अति व्यापन रहेगा, उतना ज्यादा वो अंदर तक घुसेगा। सिग्मा आबंध में कक्षकों का अति व्यापन अधिक होता है, इसलिए सिग्मा आबंध पाई आबंध जिसमें कम अति व्यापन होता है की तुलना में अधिक प्रबल होता है। यही बात मैंने अभी आपको बताया कि सिग्मा बंध ज्यादा प्रबल होता है क्योंकि ज्यादा अति व्यापन होता है। इसके अलावा यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि दो परमाणुओं के बीच पाई आबंध कभी अकेला नहीं पाया जाता है। अगर दो परमाणुओं के बीच में पाई बंध बनता है तो उसके साथ एक सिग्मा बंध जरूर बनता है। एक सिग्मा के साथ या तो एक पाई हो सकता है या दो पाई हो सकता है। देखिए, जैसे मान लो आपका दो परमाणु कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। देखिए, मान लो ट्रिपल बॉन्ड बना है तो बीच वाला यहां पर सिग्मा बंध रहेगा ऊपर और नीचे वाला पाई बंध रहेगा। या फिर मान लो डबल बॉन्ड बना हुआ है तो एक सिग्मा और एक पाई बंध रहेगा, लेकिन मान लो कि एक ही बंध बना हुआ है तो ये हमेशा सिग्मा बंध रहेगा। तो एक में सिग्मा, दो में एक सिग्मा एक पाई, और तीन में एक सिग्मा दो पाई, मतलब पाई कभी अकेले नहीं हो सकता, उसके साथ सिग्मा एक रहेगा ही रहेगा, भले ही एक सिग्मा के साथ एक पाई या दो पाई हो सकते हैं। ऐसा है, यह सदैव सिग्मा आबंध के साथ ही होता है। यह सदैव उन अणुओं में पाया जाता है जिनमें द्वि आबंध या त्रि आबंध उपस्थित होता है। द्वि आबंध या त्रि आबंध वाले में ही पाई बंध बन सकता है। अब है संकरण। देखिए, संकरण का मतलब क्या है? संकरण का मतलब यह होता है कि दो थोड़े विभिन्न स्वभाव वालों का मिलाप होता है तो उससे जो पैदा होता है वो दोनों के गुणों को लेके पैदा होता है, उसे हम संकरित कहते हैं। जैसे आप लोग हमेशा अपने घरों में सुनते होंगे बड़े बुजुर्गों से कि ए बच्चे लोग, दूसरी जाति में शादी मत करना, नहीं तो तुम्हारा बच्चा वर्ण संकर पैदा होगा। क्योंकि आपकी जाति में जो जीन्स की विशेषताएं हैं और उसकी जाति में अलग जीन्स की विशेषताएं हैं, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो जो बच्चा होगा ना आपकी जाति जैसा होगा ना उसकी जाति के जैसा होगा। इसलिए अपनी जाति में विवाह करने की अनुमति दी जाती है बुजुर्गों के द्वारा, जो कि बिल्कुल सही है। मैं इसके कभी साइंटिफिक कारण भी आपको बताऊंगा, ठीक है? तो मैं आपको ये बता रहा था संकरण यहां पर क्या है। देखिए, संयोजकता कोष में कोई भी जो संयोजकता कोष है, जो संयोजन करने में, बंध बनाने में, क्रिया करने में भाग लेता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है एस आर्बिटल, पी आर्बिटल, डी आर्बिटल, एफ आर्बिटल, इनमें होते हैं। एक ही कोष में एस पी डी एफ इन इनमें होते हैं वो इलेक्ट्रॉन। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो उसमें ऊर्जा सबसे कम रहती है, उससे थोड़ी ज्यादा पी, उससे थोड़ी ज्यादा डी, उससे थोड़ी ज्यादा एफ में होती है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन एफ वाला बंध में भाग लेता है, डी वाला, पी वाला, एस वाला, तब तो इनकी ऊर्जा अलग अलग हो जाएगी, तब ऐसे बंध का स्थायित्व तो मुश्किल हो जाएगा। तो यह पाया गया कि जब कोई परमाणु रिएक्शन में भाग लेता है, क्रिया करता है, संयोजन करता है, तो इनके एस पी डी एफ में जो इलेक्ट्रॉन है संयोजकता कोष में, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को पहले मिक्स करते हैं और बराबर बांट करके उतने सारे नए ऑर्बिटल बना लेते हैं। मान लो एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल ये हैं, तो तीनों मिक्स हो जाएंगे तो टोटल चार ऑर्बिटल निकलेंगे वहां से, चारों का नाम sp3 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 होगा। नहीं तो पहले क्या था, एक s ऑर्बिटल है, एक px है, एक py है, एक pz है, तीनों का अलग अलग डेफिनेशन, चारों का अलग अलग डेफिनेशन था। लेकिन क्रिया करते समय चारों आपस में मिक्स हो गए और मिक्स होकर चार ऑर्बिटल जब बने तो चारों का नाम sp3 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 sp3, अब चारों एक जैसे हो गए। समझे बात को? क्रिया में भाग लेने से पहले जो संयोजकता कोष के अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, उनके अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके उतने सारे नए ऑर्बिटल बनाते हैं और उनकी अलग अलग आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, अलग अलग नाम खत्म हो जाता है, सबको एक ही नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसे हम संकरण कहते हैं। इसका फायदा यह होता है कि चारों ऑर्बिटल में अब ऊर्जा स्तर बराबर है, नहीं तो पहले एस में कम, पी में ज्यादा, डी में ज्यादा, एफ में ज्यादा थे, लेकिन जब वो मिक्स होकर हाइब्रिड बना लिए तब उनमें सब में ऊर्जा का स्तर बराबर हो गया। अब उनको जब रिएक्शन करना रहेगा तो रिएक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और बराबर उनका परिणाम आपको मिलेगा। ये मतलब है उसका। मीथेन, अमोनिया, H2O जैसे बहु परमाणु अणुओं की विशिष्ट ज्यामिति आकृतियों को
स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने परमाणु कक्षकों के संकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये पॉलिंग का नाम कई बार हम पढ़ चुके, ये काफी बड़े वैज्ञानिक रहे हैं। पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं। तो पहले जितने कक्षक हैं वो संयोजित हो जाते हैं और बराबर ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनको संकर कक्षक कहते हैं। आबंध विरचन, विरचन मतलब बनना, में आबंध बनने में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकरित कक्षकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शुद्ध कक्षकों में SPDF में ऊर्जा स्तर अलग अलग है, लेकिन जब वो संकरित हो जाते हैं तो सब में ऊर्जा स्तर बराबर हो जाता है। इस परिघटना को हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे कि संयोजकता कोष के जो SPDF है उनमें ऊर्जा स्तर में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, और तभी वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम एक कोष, मान लो पांचवें कोष का चौथे कोष और तीसरे कोष के साथ हम हाइब्रिडाइजेशन कराएं, तो ये संभव नहीं है। एक ही कोष के जो कक्षक हैं SPDF ऑर्बिटल हैं उन्हीं में हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का एक 2s कक्षक तथा तीन 2p कक्षक संकरण द्वारा चार नए sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। देखिए, समझ लीजिए आप, यहाँ पर 2s नाम का एक ऑर्बिटल है, एक कक्षक है, और 2p में तीन कक्षक होते हैं, px, py, pz, तो टोटल हो गए चार कक्षक। अब ये चारों कक्षक मिक्स होके दोबारा चार कक्षक बनाए, तो चारों का अलग अलग नाम नहीं है, चारों का नाम sp3, sp3, sp3 और sp3 होगा। नहीं तो पहले 2s अलग था, 2px, 2py, 2pz ऐसा बोलते थे हम लोग, है ना। तो चलो p में तो ऊर्जा स्तर बराबर है, लेकिन s में तो ऊर्जा स्तर कम था ना, लेकिन जब ये मिक्स हो गए तो चारों में ऊर्जा स्तर बराबर हो गए, अब इनको क्रिया करने में दिक्कत नहीं होगा। संकर के संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या हैं? इस प्रकार हैं। पहला, संकर कक्षकों की संख्या संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जैसे अभी आपने देखा एक s है और तीन p है, मिले हैं तो चार कक्षक दोबारा बन गए, तो जितने मिले उतने ही नए बनेंगे, कम या ज्यादा नहीं बनेंगे। संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा तथा आकार के होते हैं। आपने ये भी देखा कि sp3 चार बने हैं, चार चार sp3 बने हैं, चारों की ऊर्जा स्तर बराबर है। संकर कक्षक स्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। अगर हम sp d अलग अलग बनाएंगे तो उतना सही आबंध नहीं बन पाएगा, मजबूत आबंध नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर हम संकरण करके आबंध बनाते हैं तो बहुत अच्छा आबंध होता है। संकर कक्षक स्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविम में विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं, इसलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति दर्शाता है। जब ये संकरित कक्षक बन जाते हैं ना, तो एक दूसरे से बराबर दूरी में इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनसे एक निश्चित आकार प्राप्त होता है, एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है अणु की, और इसलिए हमको ऐसे अणुओं की निश्चित आकार या ज्यामिति मिलती है, क्योंकि संकर कक्षक वैसी होते हैं, वैसी आकृति के होते हैं। संकरण की मुख्य परिस्थितियां क्या क्या है? पहला, परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक संकरित होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, संयोजकता कोष उस कोष को कहते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन क्रिया करने में बंध बनाने में भाग लेते हैं, उसी संयोजकता कोष के में ही संकरण होगा, उसके ऑर्बिटल्स में SPDF में संकरण होगा। संकरित होने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, क्योंकि एक कोष, जैसे चौथे कोष या पांचवें कोष की हम बात करें तो उसके अंदर, मान लो पांचवें कोष के अंदर SP और DF है, उनकी ऊर्जा में थोड़ा थोड़ा अंतर है, S का कम, P का ज्यादा, D का ज्यादा, F का ज्यादा, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है ना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उसमें अगर आप मुख्य कोष ही बदल दिए तो ऊर्जा में ज्यादा अंतर आ जाएगा, इसलिए एक ही कोष के ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं। कुछ में पहले कोष या बाद के कोष के भी भाग लेते हैं, लेकिन उनमें भी ऊर्जा स्तर में ज्यादा अंतर नहीं होता, वो भी हम समझेंगे, लेते हैं अलग अलग कोष वाले भी, लेकिन कम ऊर्जा अंतर वाले। संकरण के लिए
इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है। इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन का मतलब क्या है कि जहां पर होना चाहिए, जैसे मान लो कि एक आपने देखा कि ये s में दो इलेक्ट्रॉन हैं और p में दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर कम है, तो यहां से निकल के यहां चला गया यहां से निकल के यहां चला गया, तो ऐसे को उत्तेजन अवस्था कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि उत्तेजन करे संकरण के लिए, उत्तेजन करके भी संकरण कर सकता है और बिना करे भी कर सकता है, क्योंकि उन सबको एक साथ मिक्स होना ही है, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल अर्धभृत कक्षक ही संकरण में भाग लें। वहां पर आपने अर्ध पूरित करने के लिए, अर्धभृत करने के लिए आपने उत्तेजित किया था, वो करने की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ रही। देखिए, कभी कभी संयोजकता कक्ष के पूर्ण भृत तथा खाली कक्षक भी संकरित हो सकते हैं, जिनमें पूरा भरा हो, पूरा खाली हो, आधा भरा हो, आंशिक भरा हो, कुछ भी हो, सभी कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। अब संकरण के प्रकार, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो हर प्रकार के संकरण के उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, दूसरा उनसे बनने वाले अणुओं की आकृति को ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में तो बहुत आसानी से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, पहला है sp संकरण। इसका मतलब है इस संकरण में केवल एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल भाग लिए हैं, दो ऑर्बिटल, और दो ऑर्बिटल ही नए बनेंगे और दोनों को हम sp कहेंगे। इस प्रकार के संकरण में एक s तथा एक p कक्षक संकरित होकर दो समान sp संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं। जेड अक्ष पर संकरण कक्षकों को पाने हेतु sp संकरण के लिए s तथा pz कक्षक उपयुक्त होते हैं। p में तीन होते हैं, px, py, pz। तो अगर pz है कक्षक तो ये संकरण आपको आसानी से मिलेगा। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये लाइन ना, ये इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। प्रत्येक sp संकर कक्षक में 50% s लक्षण तथा 50% p लक्षण होता है। जब ये संकर कक्षक बन जाता है तो 50-50% दोनों के लक्षण यहां पर आपको दिखेंगे। यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक sp संकरित होते हैं तथा दो परमाणु से आबंध बनाते हैं तो अणु की रैखिक ज्यामिति होती है, क्योंकि इसके पास दो कक्षक हैं, दोनों से वो एक एक परमाणु और से जुड़ सकता है। तो टोटल, जैसे मान लो ये कोई ए नाम का कोई परमाणु है तो ये एक तरफ बी से और एक तरफ सी से जुड़ सकता है, क्योंकि इनके पास दो कक्षक है जुड़ने के लिए, sp एक कक्षक है, sp दूसरा कक्षक है, तो दोनों से जुड़ेगा तो सीधा सीधा एक रैखिक संरचना यहां पर बन रही है। अभी देखें इन्हें पर। इस प्रकार के संकरण को विकर्ण संकरण भी कहते हैं, सीधे सीधे बन रहे तो विकर्ण, ठीक है। sp संकर कक्षकों के दो उभरे हुए धन लोब यानी पाली तथा अत्यंत छोटे ऋण लोब विपरीत दिशाओं में जेड अक्ष की ओर दृष्ट होते हैं। इसके कारण से प्रभावी अतिव्यापन होता है, इसके फलस्वरूप प्रबलतर आबंध निर्मित होते हैं। तो आप देख सकते हैं sp दो ऑर्बिटल मिले हुए हैं, तो p वाला बड़ा, s वाला छोटा गोल ऑर्बिटल है, तो दोनों यहां पर दिखेंगे। ऐसा अतिव्यापन, अब जब ये किसी के साथ जुड़ेगा, बंध बनाएगा, sp ऑर्बिटल बंध बनाएगा, तो बहुत मजबूत बंध बनाएगा, है ना। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो एक है पहला BeCl2। तो अब बेरिलियम कितना का होता है, बेरिलियम में चार होते हैं, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन, तो 1s² और 2s² देखिए ध्यान से। तो पहले तलस्थ अवस्था में बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² होता है। अब इसमें क्या होता है, ये 2p में एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के चला जाता है, 2s² का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, तब ये कैसा हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 1s² 2s1 2p1 हो जाएगा। बस यही दोनों कक्षक आपस में संकरित हो जाते हैं, तो sp संकरित दो कक्षक बन जाते हैं। उत्तेजित अवस्था में एक 2s इलेक्ट्रॉन रिक्त 2p कक्षक में
बेरिलियम की द्विसंयोजकता के कारण से प्रोन्नत हो जाता है। इसीलिए बेरिलियम जो है दो संयोजकता दिखाता है, क्योंकि अगर ये प्रोन्नत नहीं होगा तो ये किसी के साथ संयोजकता दिखा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल है ही नहीं। ठीक है, एक 2s कक्षक तथा एक 2p कक्षक संकरित होकर दो sp कक्षक का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, और ये एक दूसरे से 180 डिग्री कोण बनाते हैं। मतलब एक इस साइड में रहेगा कक्षक, एक इस साइड में रहेगा। प्रत्येक sp संकर कक्षक क्लोरीन के 2p कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा BeCl2 के दो, यहां पर BeCl के साथ, मतलब Be और Cl का एक सिग्मा बंध इधर और एक सिग्मा बंध इधर ऐसा बनाता है। इसे चित्र 4.10 में दिखाया गया है। देखिए यहां पर बेरिलियम क्लोराइड कैसे बना रहे हैं, देखिए, है ना। तो एक s कक्षक है, 2s है ना, 2s कक्षक है, और 2pz कक्षक, ठीक है। ये दोनों संकरित हुए, तो संकरित होके देखिए एक s, मतलब दो sp संकरण कक्षक बने हैं, एक ये बना, ठीक है, एक ये बना, दो संकरित कक्षक बन गए। अब इन दोनों संकरित कक्षक में क्लोरीन का अणु जो है pz वाला, इसके साथ एक जुड़ गया, इधर एक जुड़ गया, क्लोरीन। क्लोरीन जो है 17 नंबर है इसका, है ना, तो 2, 8 और 7 है इसके पास, एक कमी है, तो एक कमी है, यहीं से सहसंयोजक आबंध बना करके करता है, ठीक है, ऐसा है। क्योंकि इनके पास भी, बेरिलियम के पास भी, इधर एक इलेक्ट्रॉन और उधर एक इलेक्ट्रॉन दोनों कक्षक में उपस्थित है। दो दो कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन वाले मिक्स हुए, और दो कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन वाले फिर से बन गए। तो इधर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उधर एक इलेक्ट्रॉन है, उनके साथ क्लोरीन जो है दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके BeCl2 बना लिया है। तो इधर भी, यानी कि ये बेरिलियम है, तो इधर क्लोरीन के साथ, इधर क्लोरीन के साथ एक एक सहसंयोजक बंध एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। और बेरिलियम का वो जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो sp दोनों कक्षक में उपस्थित है, ठीक है। तो दो सिग्मा बंध यहां पर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट sp2 संकरण। अब यहां पर नाम से समझ में आ रहा है कि s का एक ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल मिलकर के यहां पर संकरण करेंगे। देखिए लिखा है एक s कक्षक और दो p कक्षक संकरित होकर तीन sp2 संकरित। अब चूंकि तीन मिक्स हुए हैं तो तीन नए बनेंगे, सीधी सी बात है। उदाहरण के लिए बोरान ट्राइक्लोराइड के अणु में केंद्रीय बोरान परमाणु की तलस्थ अवस्था 1s2 2s2 2p1 होता है। अब यहां पर देखिए कि ये 2s से शिफ्ट होके ये 2p में एक और इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो 2p2 हो गया। तो p में जो तीन ऑर्बिटल होते हैं उसमें अब दो में ये पहुंच गए और एक s में है, तो ये तीनों ऑर्बिटल यहां पर संकरण करेंगे, तो sp2 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 तीन नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो कुल मिला के हमने क्या कहा कि 2s2 में से 2p में एक और इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ये देखिए उत्तेजित अवस्था में एक 2s इलेक्ट्रॉन रिक्त 2p कक्षक में प्रोन्नत हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बोरान में तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, एक s में और दो p में अयुग्मित हो जाते हैं। अब इनमें तीनों ऑर्बिटल कौन कौन सा, 2s का एक और 2p के दो कक्षक संकरित होकर sp2 के तीन संकर कक्षक बनाते हैं। तीन संकर कक्षक त्रिकोणी समतली व्यवस्था में होते हैं, यह हमने पहले भी पढ़ा इनके अणु की संरचना में। क्या लिखा हमने, तीन संकर कक्षक त्रिकोणी समतली व्यवस्था में होते हैं तथा क्लोरीन परमाणुओं के 2p कक्षकों से अतिव्यापन कर तीन Be, मतलब बोरान क्लोराइड आबंध बनाते हैं। इसलिए BCl3 चित्र में अणु की त्रिकोणीय समतली ज्यामिति होती है और ये आबंध 120 डिग्री का होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहां पर कैसे हुआ है, देखिए
यहां पर एस पी और पी, ठीक है, दो ऑर्बिटल यहां पर पी के कौन कौन से, जेड और एक्स मिल गए हैं। तो ये देखिए, ये एक्स ऑर्बिटल है, ये जेड ऑर्बिटल है, ठीक है। कौन कौन से जरा ध्यान से देखेंगे, नीले कलर में आप देखिए, ये एक ऑर्बिटल हुआ जेड वाला, और ये एक ऑर्बिटल हुआ एक्स वाला, ठीक है। ये दो ऑर्बिटल हो गए पी के, एक्स और पी वाई वाले, और ये जो काले रंग में दिख रहा है ये ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, टू एस ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल लिए, एक ऑर्बिटल लिए, और एक ऑर्बिटल ये गोलाकार वाला, तीन ऑर्बिटल यहां पर मिक्स हुए हैं। कौन कौन से हैं, एस पी एक्स और पी जेड, ये पी एक्स लिखा है और ये पी जेड लिखा है, जरा ध्यान देंगे इसको। और जब ये संकरित हो गए तो यहां पर देखें कि तीन ऑर्बिटल बने हैं, फिर से एक एस और दो पी मिलकर के एस पी टू के तीन ऑर्बिटल। कौन कौन से देखिए, एक ये ऑर्बिटल है जिसका एक छोटा भाग ये है, एक ये ऑर्बिटल है जिसका छोटा भाग ये है, और एक ये ऑर्बिटल है जिसका छोटा भाग ये है। ये हम बड़ा और छोटा क्यों दिखाते हैं पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक्चुअली। इलेक्ट्रॉन ज्यादातर समय इस दिशा में या इस दिशा में रहता है, इधर इधर कम आते हैं। तीनों ऑर्बिटल में 120 डिग्री का कोण है। अब तीनों वैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों के पास है, जैसा हम पहले देख चुके हैं संकरण के पहले भी था। ये तीनों एक एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाएंगे, ठीक है, और तीन क्लोरीन यहां पर जुड़ गए। ये देखिए, तीन क्लोरीन का यहां पर पी ऑर्बिटल जुड़ गया, तो तीन सिग्मा बंध बने हैं। तो बोरान के साथ तीन क्लोराइड जो है इस तरह से 120 डिग्री में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में BCl3 याद रखिए आप, उसमें BeCl2 था, इसमें BCl3 है। ध्यान से इनको याद करते जाइए और इनकी संरचना को बनाना सीखते जाइए, नहीं तो इसके बिना आपका मुश्किल है। अब है sp3 संकरण, जिसमें एक s और तीन p मिलकर के चार बनाएंगे sp3 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 sp3, और इसको हम मीथेन अणु के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। इसमें एक s और तथा तीन p कक्षकों के संकरण से चार sp3 संकरित कक्ष बनते हैं। ये कक्षक समान ऊर्जा और आकार के होते हैं। प्रत्येक sp3 कक्षक में 25% s का और 25-25-25 तीन पी कक्षक के, यानी 75% पी कक्षक हो गए। sp3 संकरण द्वारा प्राप्त चार sp3 संकर कक्षक चतुष्फलक के चार कोनों की ओर होते हैं, बराबर ऊर्जा के हैं, बराबर दूरी में जाएंगे जो चतुष्फलक हो जाएंगे, जैसा चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। और इनके बीच का कोण 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए, अब इनको आपको जरा ध्यान से देखना है कौन कौन से हैं। इसमें sp x y और z तीनों हैं, ठीक है। तो यहां पर जो नीले कलर में है, ऐसे ऊपर की तरफ जो बना हुआ है नीले कलर में ऐसा वाला जो है वो हो गया x, ठीक है, और ऐसा करके इधर बना हुआ है वो है y, और ऐसा करके इधर बना हुआ है वो है z। s मतलब x है, ये y वाला है और ये z वाला है। ये तीन आपको यहां गोलाकार दिख रहे हैं, आप ध्यान देंगे तो, ठीक है, ब्लू कलर में। एक ये दिख रहा है देखिए, ये x हो गया, ये दिख रहा है देखिए, ये y हो गया, और ये नहीं z हो गया, और ये y हो गया। ये देखिए, तीन दिख रहे हैं आराम से, और ये जो बीच में एक गोल काले रंग का दिख रहा है वो s ऑर्बिटल है। तो इनके संकरण से देखिए बहुत स्पष्ट चार बन रहे हैं, चारों कोनों में एक एक बराबर साइज के, ठीक है, ये बराबर है ना, ध्यान रखने के। इनके छोटे वाले इनके पीछे मिलेंगे, जो कि अब यहाँ पर नहीं दिख पा रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसा नहीं बना पा रहे हैं कि छोटा वाला लोब उसका दिखाई दे। तीनों में, चारों में 109.5 डिग्री है। अब इसके साथ चारों कोने में एक एक हाइड्रोजन बंध बन गए हैं, देखिए एक एक हाइड्रोजन के साथ बंध नहीं, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए हैं। हाइड्रोजन बंध अलग चीज होता है, यह हाइड्रोजन के साथ एक एक जुड़ गए हैं, देखिए, है ना। तो ये चतुष्फलक यहां पर एक संरचना बन गई है,
इस बात को भी जब ध्यान रखेंगे। तो ये संरचनाएं आप बनाना सीखना है आपको। अगर आप कॉपी में ये चीज़ें नहीं बनाएंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि एनसीईआरटी के आखिरी में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनके उत्तर लिख लीजिए आप कॉपी में सीधा सीधा। इसके आखिरी में मैं कराता ही हूँ, पिछले 3 चैप्टर का मैं कराया ही हूँ, पहला दूसरा तीसरा का, है ना, उत्तर क्वेश्चन प्रश्न उत्तर कराया हूँ ना मैं इसमें, वैसे इसका भी कराऊंगा। तो उसको देख करके आप उसके उत्तर लिखिएगा और कॉपी में कंप्लीट करिएगा। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको सफल होना है तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर इसका शॉर्टकट क्या है, इसको याद करने का शॉर्टकट क्या है। भाई मैंने आज तक कोई शॉर्टकट नहीं सीखा है, शॉर्टकट वाले शॉर्ट ही रह जाते हैं। आप लॉन्ग कट का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई चीज़ को लॉन्ग करते जाएं, लेकिन याद करना है, लिखना है, मेहनत करना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। NH3 और H2O की संरचनाओं की व्याख्या भी SP3 संकरण द्वारा की जा सकती है। अब NH3 में देखें, नाइट्रोजन का जो तलस्थ रूप है, नाइट्रोजन में 7 हैं, तो 7 में 1s2, 2s2, 2p1, 2, 3 ऐसा है, ठीक है। अब इसमें SP3 संकरण कक्षकों में ये भाग लेंगे पूरा, लेकिन ध्यान देंगे ये कि जब इसमें 2s कक्षक संकरित होगा जरूर, संकरण में भाग लेगा जरूर, लेकिन ये ऑलरेडी भरा हुआ है इसलिए ये बंध नहीं बनाएगा। बंध तो सिर्फ ये 3 बनाएंगे, इसलिए NH3 में 3 हाइड्रोजन के साथ बंध है ना, इन बंध यही बनाएंगे, लेकिन भाग s कक्षक जरूर ले रहा है। sp3 संकर कक्षकों में 3 sp3 संकर कक्षों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि चौथे sp3 संकर में एकांगी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। 4 कक्षक बनेंगे तो 3 कक्षक में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चौथा कक्षक भरा हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, वही अनाबंध इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा, ठीक है, बंध में भाग नहीं लेगा। नाइट्रोजन के 3 sp3 संकर कक्षक 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों के साथ अति व्यापन कर 3 NH आबंध निर्मित कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एकाकी युग्म तथा आबंधी युग्म के बीच आबंधी युग्म की अपेक्षा प्रतिकर्षण आबंधी युग्म की अपेक्षा अधिक होती है, मतलब ये रिपेल करेगा ना, जो अनाबंधी है वो रिपेल कर देगा उनको, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप NH3 के अणु में आबंध कोण 109 से घट के 107 हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एकाकी वाला ऐसा दबाएगा और आबंध वाला ऐसा फैलाएगा, तो दबाने वाला ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो फैल करके 109 होना था, वो थोड़ा दबा दिया गया तो 107 हो गया, और दबाएंगे तो 104 तक उतरता है। ये पिछले वीडियो में मैंने ठीक से बताया है, आप उस वीडियो को अगर देखे हैं तभी ये समझ में आएगा आपको। ऐसे अणु की ज्यामिति विकृत होकर पिरामिडी हो जाती है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है, ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इधर इनको ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ऐसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये ऐसे फैलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दबाने वाला ज्यादा पावरफुल है, इसलिए फैलाने वाला कम पावरफुल है, तो ऐसे ज्यादा दब गया, इसलिए यहां पर डिग्री 109.5 की बदले 107 हो जाता है, 2.5 डिग्री ये ज्यादा दबा दिया उसको, ठीक है। अब जल के अणु में देखते हैं, जल के अणु में ऑक्सीजन परमाणु के 4 संयोजकता कक्ष 2s तथा 3p कक्षक संकरण द्वारा 4 sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का 8 है, ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p 2, 4 और ये 4 हो गया। तो यहां पर अगर 2s और 2p को देखें तो 2s ऐसा है और 2p ऐसा है, और जब ये संकरण में भाग लेंगे तो ये सभी मिलकर के 4 कक्षक जरूर बनाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 कक्षक ऐसे रहेंगे जिसमें कोई बंध बन सकता है, बाकी 2 कक्षक में बंध नहीं बनेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जोड़े वहां पर ऑलरेडी हैं। तो जैसे आपने नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर देखा, यहां पर 2 लोन पेयर देखेंगे आप,
ऑक्सीजन में दो लोन पेयर देखेंगे, देखिए एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये इसको इधर से दबाएगा, ये इसको इधर से दबाएगा, ये दोनों भी एक दूसरे को दूर भेजेंगे, तो कुल मिला के ये ज्यादा दब जाएगा। भले ये फैलाने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये दब जाएंगे, ऐसे ऐसे ज्यादा दबेंगे। तो जहां 109 होना चाहिए, 109.5, आपने अमोनिया में देखा था कि वो 107 हो गया था, यहां पर और ज्यादा, 107 कब हुआ था, जब एक ही पेयर ने दबाया था, यहां तो दो पेयर दबा रहे हैं, तो और कम होके 104 डिग्री हो जाता है। ये चीज मैं पिछले क्लास में बताया हूं आपको, ये देखिए, ठीक है। अब इनमें दो संकर कक्षकों में एक एक युग्म खाली रहता है, ये चार sp3 संकर कक्षक चतुष्फलकी ज्यामिति प्राप्त करते हैं, जिसमें दो कोनों पर हाइड्रोजन परमाणु आबंधित होते हैं तथा अन्य दोनों कोनों पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो दो कोने में हाइड्रोजन जुड़ने के लिए है और दो कोने तो खाली युग्म रहेंगे, क्योंकि पहले से दो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें। इस अणु में आबंध कोण 109.5 से घटकर 104.5 हो जाता है, देखिए 5 डिग्री कम हो गया। अणु वी आकृति अथवा कोणीय ज्यामिति ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर जब नाइट्रोजन आपने देखा था तो एक ही लोन पेयर ने दोनों तरफ से दबाया था तो कम दबा पाया था, 109 को 107 में उतारा था, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन में दो जने ने दबाया है दोनों तरफ से तो ज्यादा दबा दिया तो और कम होकर 104.5 हो गया है, यह बताया इसने, ठीक है। sp3, sp2 तथा sp संकरण के अन्य उदाहरण क्या क्या है। C2H6 यह है इथेन, ठीक है, इथेन, एथीन, इथाइन, तीन चीज होता है ना, C2H6, C2H4, C2H2, तो ये इथेन है, इसमें भी sp3 संकरण है कार्बन में। देखिए इथेन के अणु में कार्बन के दोनों कार्बन sp3 संकरित होते हैं, भाई यहां पर दो कार्बन है ना, ऐसे एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये दोनों कार्बन में अपने अपने अंदर sp3 होते हैं संकरण। कार्बन परमाणु के चार sp3 संकर कक्षकों में परमाणु से एक अन्य कार्बन परमाणु के एक sp3 कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा sp3 सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि प्रत्येक कार्बन परमाणु के अन्य तीन sp3 संकर कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षकों के साथ sp3s सिग्मा आबंध बनाते हैं। इसको समझिए क्या बोल रहा है, ये कार्बन है, इसके चार sp3 कक्षक बने, ये कार्बन है, इसके चार sp3 कक्षक बने, तो ये अपने एक sp3, इसके अपने एक sp3 से एक सिग्मा बंध यहां पर बना दोनों के बीच में, अब बाकी तीनों में एक एक हाइड्रोजन ने बंध बनाया, ये कहना है दोनों कार्बन का, इतने लंबे चौड़े में यही लिखा है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप इथेन में कार्बन कार्बन आबंध लंबाई 154 पिकोमीटर और कार्बन हाइड्रोजन आबंध लंबाई 109 पिकोमीटर होती है, इन दोनों के बीच में 154 और इनके बीच में 109 का दूरी होता है। अब C2H4 में अगर देखें, यहां पर C2H6 में sp3 था, C2H4 में sp2 है, मतलब दोनों कार्बन sp2 कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए एथीन अणु के बनने में कार्बन परमाणु का एक sp2 संकरण कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा कार्बन कार्बन सिग्मा आबंध बनाता है, जबकि प्रत्येक कार्बन परमाणु के अन्य दो sp2 संकर कक्षक हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ sp2s सिग्मा आबंध बनाते हैं। एक कार्बन परमाणु का असंकरित कक्षक 2px अथवा 2py दूसरे कार्बन परमाणु के समान कक्षक के साथ पार्श्व अतिव्यापन द्वारा दुर्बल पाई आबंध बनाता है, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के तल के ऊपर तथा नीचे समान इलेक्ट्रॉन अभ्रो होता है। इसमें आपने देखा, जैसे कार्बन का आप समझिए, पहले कार्बन का 6 नंबर है, 1s2, 2s2, 2p2 है यहां पर, तो सबसे पहले ये उत्तेजित अवस्था में जाता है और 2s2 का 2p2 के साथ चला जाता है, तो
अब ये उत्तेजित अवस्था में कैसा हो जाएगा, 1s स्क्वायर 2s1 2p3, ठीक है, ऐसा हो गया। जब आपने sp3 किया तो एक s और तीन p, देखिए ये एक s और तीन p कक्षक, ये चारों कक्षक हाइब्रिडाइजेशन किए, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 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 और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे। तो इथेन में आपने देखा कि चारों ने यहां पर कॉम्बिनेशन किया है sp3, इथेन में आपने देखा। लेकिन इथीन में आपने क्या देखा कि सिर्फ दो कक्षक ही यहां पर संकरित हुए हैं s p के, s के साथ। ये एक कक्षक जो है ये असंकरित अवस्था में रह गया, ठीक है। तो दो कार्बन जब जुड़ेंगे, ऐसे दो कार्बन जब जुड़ेंगे तो संकरित वाले आमने सामने पड़ेंगे, सिग्मा बांध बनाएंगे, और असंकरित वाले एक और बंध बनाएंगे जो कि पाई बंध रहेगा। मतलब दोनों कार्बन के बीच एक बंध तो संकरित संकरित के बीच बनेगा और एक 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 बंध जो है असंकरित असंकरित के बीच में बनेगा, क्योंकि दोनों कार्बन में ही ये जो पी का एक आर्बिटल है ये असंकरित है, अब बाकी तीनों संकरित है। समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना, एक संकरित के बीच में एक असंकरित के बीच में, यानी दो बंध बना, और एक एक यहां पर दो दो संकरित और बचे, उनके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा है हर कार्बन के साथ, फिर से एक बार बता रहा हूं, हर कार्बन के साथ जो है तीन संकरित और एक असंकरित कक्षक है, ठीक है। तो जो संकरित कक्षक है उनमें से एक एक का प्रयोग करेगा और एक एक जो असंकरित है उनका प्रयोग करेगा, दोनों कार्बन आपस में जोड़ने के लिए। तो एक संकरित यूज हो गया और एक असंकरित यूज हो गया, अब बचे क्या, दो संकरित वाले, तो दो संकरित वाले हाइड्रोजन के साथ और ये दो संकरित वाले हाइड्रोजन के साथ ऐसा जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार सी सी के बीच एथीन में मध्य में एक sp2 संकरित कक्षकों में सिग्मा बंध बनता है तथा एक पाई आबंध जिसकी लंबाई थोड़ी कम होती है पी कक्षकों के मध्य होता है जो असंकरित होते हैं, जो संकरण में प्रयोग नहीं हुए हैं, एवं अणु के तल के लंबवत होते हैं, सीधे नहीं होते ऐसे लंबवत होते हैं, इसलिए साइड बाय साइड जुड़ेंगे। CH आबंध में sp2s सिग्मा बंध आबंध की लंबाई 108 होता है, वहां पर 109 था, एथेन में 109 था, यहां पर 108 हो गया। और HCH एवं HCC आबंध कोण क्रमशः 117.6 और 121 डिग्री होता है, ठीक है। तो इनको चित्र में दर्शाया गया है, देखिए चित्र देख के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इथीन में, ठीक है, ये देखिए ये एक कार्बन है, ठीक है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन में आप देख सकते हैं कि पहले तो तीन संकरित कक्षक आप देख रहे हैं, तीनों संकरित कक्षक है ना कार्बन के लिए, तीनों एक तो आपस में और एक एक हाइड्रोजन के साथ ये बंध बना लिया, सिग्मा बंध। लेकिन इसी कार्बन में ये देखिए बंध बनाने के बाद ये आ गया, इसी कार्बन में एक एक असंकरित कक्षक भी है जो लंबवत है, तो ये लंबवत में आपस में बंध बना लिया, एक ही बंध है ना, वो ऊपर नीचे दिखा रहे हैं, मतलब कभी ऊपर बंध कभी नीचे बंध, एक ही बंध है। तो इस तरह से टोटल दो बंध कार्बन के बीच में और एक एक बंध हाइड्रोजन के साथ इनका बना, ठीक है। ये देखिए सीधे बंध बना, ये सिग्मा है, साइड साइड में बंध बना, ये एक ही पाई है, और इनका आपस में हाइड्रोजन बंध भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस बंध को आप इस तरह से दिखा सकते हैं, सिग्मा बंध तो सीधा सीधा, और पाई बंध के लिए आपको ये लोब आपको दिखाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो लोब दिखा दीजिए, या इस तरह से आप प्लेट जैसी संरचना भी आप बना सकते हैं पाई बंध के लिए। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा संकरण क्या है, ठीक है।
अब इथाइन का हम पढ़ेंगे। इथाइन का, इथाइन में देखिए कार्बन में उत्तेजित अवस्था का मैं बता रहा हूं सीधा सीधा, 1s2 2s1 2px1 py1 और pz1 आया, एक ना एक एक आया, मतलब 2p2 2p3 है ना। तो ये 2s1 और ये तीन है ना p का। तो शुरू में आपने इन तीनों को इसके साथ संकरित किया था, फिर दो को संकरित किया, अब सिर्फ एक को संकरित करेंगे, यानी यहां पर sp संकरण मिलेगा आपको, बाकी दोनों असंकरित हो गए। ठीक है, तो कार्बन में दो संकरित ऑर्बिटल और दो असंकरित ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल यहां पर भी हैं, लेकिन दो संकरित और दो असंकरित है किसी एक कार्बन में। तो जैसे ये एक कार्बन है, इसमें ये दो संकरित हो गए और ये दो असंकरित हो गए। तो ऐसे ही दूसरा कार्बन है, एक एक दो संकरित और ये एक दो असंकरित। तो संकरित संकरित एक तो आपस में मिल गए और एक एक हाइड्रोजन के साथ मिल गए, ये लो संकरित वाले पूरे हो गए, फिर असंकरित वाले दोनों आपस में बंध बना लिए, तो दो पाई बंध बनेंगे। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा यानी संकरित संकरित के बीच में एक असंकरित और एक असंकरित, यानी तीन बंध बन गए। ये देखिए, ये कार्बन का एक संकरित इधर दूसरे कार्बन के संकरित के साथ और एक इधर हाइड्रोजन के साथ, इसका भी एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और ये देखिए, ये दो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये असंकरित है, दोनों असंकरित है, एक ये और एक ये असंकरित, वैसे ये एक ए और एक असंकरित। तो अपने पैरेलल वाले के साथ, जैसे पी एक्स वाला इधर के पी एक्स वाले के साथ और पी वाई इधर के पी वाई के साथ, ये पाई बंध बनाएंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर तीन बंध बना, बीच वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई और नीचे वाला पाई, पाई वाला असंकरित से और सिग्मा वाला संकरित से बंध बनता है, ये इथाइन का है, ठीक है। C2H2 में sp संकरण कैसे होता है भी बताया मैंने, इथाइन अणु के बनने में दोनों कार्बन परमाणु sp संकरण दर्शाते हैं, उन पर दो दो असंकरित 2py तथा 2px कक्षक होते हैं। अब इसमें दो असंकरित बचे, ठीक है, तो पहले तीनों संकरित हुए, फिर दो संकरित हुए, फिर एक संकरित हुआ p में से, ठीक है, ऐसा है। तो ये इथाइन का पूरा डिटेल लिख रहा है कि एक कार्बन का sp संकरण कक्षक दूसरे कार्बन के sp संकरण कक्षक से अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाता है, बचे हुए संकर कक्षक हाइड्रोजन के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं, दोनों कार्बन पर उपस्थित दो दो असंकरित कक्षक पार्श्व अतिव्यापन द्वारा दो पाई आबंध बनाते हैं। इस प्रकार इथाइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित त्रिआबंध एक सिग्मा और दो पाई आबंधों से बना होता है, जैसा चित्र में आपने देखा है, ठीक है। अब डी कक्षकों में किस तरह से संकरण होता है ये हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कि इसमें कई प्रकार से संकरण अलग अलग आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, थैंक यू, बाय।